हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। चैप्टर नंबर 14 या यूँ कहें दोस्तों 14वां वीडियो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का, जिसमें हम चार प्रमुख सिद्धांत और सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो कि ये जो चार मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए, एक तो पढ़ेंगे कोहल वर्ग का नैतिकता सिद्धांत, वायगोत्सुकी का सिद्धांत, नोम चौमस्की का सिद्धांत और ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत हैं जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सिद्धांत की शुरुआत करते हैं, जिसमें लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो की। देखिए, आपका लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, इन्हें हम कोहल वर्ग के नैतिकता सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें से एक नंबर का जो प्रश्न है आपके टीईटी हो या शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, पूछे जाते हैं। दोनों एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोहल वर्ग क्या है। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अमेरिका के निवासी हैं कोहल वर्ग। अब नैतिकता क्या है कोहल वर्ग के अनुसार? यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है ना। नैतिकता अर्थ है दोस्तों सही और गलत की पहचान होना। एक बालक अपने परिवेश में, सामाजिक परिवेश में रहकर क्या सही है क्या गलत है उनको जानता है, पहचानने लगता है, ये नैतिकता है। नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की जो स्थिति न हो पाना है ना, या निर्णय न ले सकना, यही नैतिक दुविधा कहलाता है। अर्थात क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें अगर हम जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो यह क्या है, आपका नैतिक दुविधा है। क्लियर दोस्तों, ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब इनके जो सिद्धांत हैं, इसमें और है, देखिए दोस्तों, इसमें नैतिक दुविधा के बाद में आपका नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा क्या है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल प्रक्रिया है, तो वही आपका नैतिक तर्कणा कहलाता है। सही एवं गलत में से किसी एक को चुनना ही नैतिक तर्कणा है, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। क्लियर है, क्या है दोस्तों, परिस्थिति के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं उसके बारे में। तो आइए हम इनके तीन जो स्तर हैं नैतिकता के, उन पर हम चर्चा करेंगे। नैतिकता के जो स्तर हैं, इसमें देखिए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता हो गया, रूढ़िगत नैतिकता, और तीसरा देखेंगे हम इसमें उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राक रूढ़िगत नैतिकता क्या होता है। क्लियर है, तो देखिए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता क्या है, यह 4 से 10 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है ना। प्राक रूढ़िगत अवस्था 4 से 10 वर्ष के बालक के बीच की जो अवस्था है, इसमें क्या सही है क्या गलत है इनकी जानकारी बच्चों को नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। यह 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, नैतिक तर्कणा अर्थात निर्णय जो लेने होते हैं वह दूसरों के मानकों के आधार पर तय होता है। तो इसके अंतर्गत 2 भाग हैं, जिसमें आपका दंड एवं आज्ञा पालन अनुमुक्ता। देखिए ये क्या है, इसमें बच्चे की जो नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी है ना। एक बालक सोचता है दोस्तों कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी अर्थात दंड मिलेगी, इसलिए मुझे आज्ञा माननी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, इसी के अंतर्गत ही आपका प्राक रूढ़िगत के अंतर्गत ही आता है साधन सापेक्ष है ना, साधन सापेक्षता या उन्मुक्तता। देखिए इसमें क्या है, इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार खुद भी करेगा। तो जैसा व्यवहार जिसके साथ होता है उसके साथ वह व्यवहार होता है, यह क्या है, साधनात्मक सापेक्षता है।
अगला इसमें है दोस्तों आपका दूसरा, देखिए रूढ़िगत नैतिकता स्तर है ना। तो ये क्या है आपका जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, तो रूढ़िगत नैतिकता में यह 10 वर्ष से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है ना। दूसरे के जो मानक है उसको अपने अंदर समा लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का जो निर्णय है करता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखिए क्या क्या है, अच्छा लड़का या लड़की उन्मुखता और दूसरा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। तो अच्छा और लड़का और अच्छा लड़की उन्मुखता क्या है, तो इन दोनों के बारे में हम जान रहे हैं। देखिए अच्छा लड़का एक बालक जो है परिवार में अच्छा बनने की कोशिश करता है, एक बालिका जो है परिवार में अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसके लिए वो अच्छा काम करता है, नैतिक कार्य करता है ताकि वह सबकी नज़रों में अच्छा बने, है ना। दूसरा इसी में कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते समय, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ये हिंज की बात की जा रही है, तो हिंज की अकॉर्डिंग जो है उनको पता चल गया कि उन्होंने रेड लाइट एरिया को पार किया जिसकी वजह से उनके पापा की एक्सीडेंट हो गया, अर्थात मुझे कानून में रहकर कानून के अंडर में रहकर ही काम करना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें उनको पता चला, तो ये चीज़ें आपका कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अगला और तीसरा है इसमें देखिए आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता क्या है, यह 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इसमें क्या है आपका सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता आता है। तो ये क्या है आपका, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम भले ही लोगों के लिए है मगर नियम से किसी का नुकसान हो तो उस नियम को हमें तोड़ देना ही उचित है। अगर रेड लाइट तोड़कर उनके पापा की जान बच जाती है तो उसको तोड़ दो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर उस नियम से ऊपर उठकर भी जो है आपको स्वयं का हित जरूरी है ना। अगर दोस्तों मान लीजिए आप एम्बुलेंस में हैं, कोई सीरियस कंडीशन में एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में रास्ते में रेड लाइट आ गया है रोड में, है ना, रेड लाइट एरिया में हो आप, वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, उस स्थिति में आप रेड लाइट जो सिग्नल है उसको आप पार करके जबरन जाएंगे, क्योंकि किसी के भविष्य जिंदगी का सवाल होता है। तो ये चीज़ें गलत नहीं होता, सामाजिक उन्मुखता के अंतर्गत ये चीज़ें आती है दोस्तों। अब इसी में है आपका देखिए सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। तो इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है ना। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो ये चीज़ें सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत आपका एक नंबर का जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछेंगे दोस्तों, इसको बिल्कुल याद रखें आप। डायरेक्ट प्रश्न पूछने के बजाय एग्जाम्पल के रूप में रखेगा और बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किसके अंतर्गत ये चीज़ कोहल वर्ग नैतिकता के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। अब एक दूसरा सिद्धांत है दोस्तों वाइगोत्सुकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों वाइगोत्सुकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए लेव वाइगोत्सुकी एक रूसी वैज्ञानिक थे, है ना, रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम इस जो वाइगोत्सुकी का सिद्धांत है उसका नाम है वाइगोत्सुकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि वाइगोत्सुकी का जो सिद्धांत है अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, है ना, प्रश्न ये बना हुआ है पेपर में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर निकाल कर। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, क्लियर है दोस्तों। तो यहीं से आपका एक प्रश्न बन जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया। अगला पॉइंट है इसमें देखिए यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और
संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे ने बताया था कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है ना। तो यह क्या है आपका, पियाजे का ठीक उल्टा है मान सकते हैं वायगोत्सु की, क्योंकि वायगोत्सु की ने कहा है कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करता है और सीखता है। यहाँ पर भी एक प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों कि समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, किसने कहा था, है ना। तो एक नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आपका बन सकता है, तो वायगोत्सु की ने कहा था, क्योंकि उन्होंने ही सामाजिक और संस्कृति अर्थात समाज से जुड़ी कोई भी प्रश्न आए और उसमें अगर सिद्धांत देने वाले में वायगोत्सु की रहेगा दोस्तों, तो इसका उत्तर वायगोत्सु की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही है। इसको आप याद रखेंगे। दो चीज़ें बताए हैं, देखिए वायगोत्सु की ने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया था, क्या क्या, एक तो बताया था GPD और दूसरा है स्केफोल्डिंग। तो GPD क्या है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के जो अंतर होता है उसी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला है इसी में, दूसरा में स्केफोल्डिंग, जिसे हम ढांचा या पाडू भी कहते हैं। अभी CTET के एग्जाम में दोस्तों पाडू क्या है या ढांचा के बारे में पूछ दिया गया था, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। तो हिंदी को भी याद रखेंगे, क्योंकि CTET में जब ये चीज़ें स्पष्ट हिंदी में आ रहा है दोस्तों, शुद्ध हिंदी में आ रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं। तो स्केफोल्डिंग से जुड़े प्रश्न CGTET की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आए हुए हैं। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सामान्य मदद या मार्गदर्शन है, उसी को आप बोलते हैं स्केफोल्डिंग, है ना। अपने से बड़े के मदद से सीखना स्केफोल्डिंग है। क्लियर है दोस्तों। इसके अंतर्गत एक और चीज़ है MKO, मोर नॉलेज अदर, है ना। MKO टीचर पेरेंट्स फ्रेंड्स ETC, इन सब के माध्यम से सीखते हैं एक बालक। क्लियर है। अगला है दोस्तों इसी के सिद्धांत के ही अंतर्गत वायगोत्सु की का भाषा के संबंध में क्या सोच था। देखिए भाषा के संबंध में उनका क्या कहना था, इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, है ना। वायगोत्सु की ने कहा था कि भाषा और चिंतन स्टार्टिंग में अलग अलग होंगे लेकिन बाद में एक रूपता धारण कर लेते हैं। क्लियर है। अगली पॉइंट है, वायगोत्सु की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, है ना। वायगोत्सु की ने कहा था कि पहले भाषा आता है दिमाग में, उसके बाद विचार उत्पन्न होता है। अगला है देखिए निज भाषण क्या है, तो इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, तो यही निज भाषा है। निज अर्थात स्वयं, है ना, स्वयं की भाषा, तो यही आपका निज भाषा के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज दोस्तों, इसमें आपका स्केफोल्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं, स्केफोल्डिंग से जुड़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थात इसमें से भी एक अंक के प्रश्न आपका बनने के चांसेस है, संभावनाएं हैं। अगला है दोस्तों इसी में आपका देखिए नोम चौमस्की के सिद्धांत, है ना, तीसरा सिद्धांत। दो सिद्धांत हमने अध्ययन किया है, तीसरा सिद्धांत देखिए नोम चौमस्की, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। तो देखिए ये अमेरिका के रहने वाले थे, इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है। ये प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल याद रखें, भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है, किसने कहा था, तो नोम चौमस्की ने कहा था, है ना। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है जन्मजात होती है, नोम चौमस्की ने कहा था। अगला पॉइंट है, ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसे बच्चा भाषा सीखता है, ये भी पॉइंट उन्होंने कहा है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, क्या क्या कहा गया है नोम चौमस्की के द्वारा। क्लियर दोस्तों। अगला चीज़ है, इन्होंने जो डिवाइस का नाम बताया था, वो डिवाइस यंत्र का क्या नाम था, LAD, जहाँ L का अर्थ लैंग्वेज है, A का अर्थ इक्विजिशन और डिवाइस का अर्थ है यंत्र, DC, है ना। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी व्याकरण जन्मजात होता है, ठीक है। इनका कहना था कि व्याकरण जो है जन्मजात होता है। अब चौमस्की ने भाषा के दो लेवल बताए हैं, ठीक है।
दो स्टेजेस, दो लेवल बताए हैं भाषा के। पहला तो सतही संरचना, दूसरा गहरी संरचना। सतही संरचना क्या है? इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता, है ना। केवल ध्वनि को, शब्द को ही जान पाता है, उनके अर्थ को नहीं जान पाता। यही क्या है आपका सतही संरचना। देखिए, मम्मी पापा खाना पीना, कुछ ही चीज़ें। जैसे एक छोटा सा बालक जब शिशु से बड़ा होने लगता है तो केवल स्टार्टिंग में मम्मी पापा, पानी, खाना, ऐसी चीज़ें सीखता है ना। ध्वनि, ध्वनि से संबंधित जो चीज़ें हैं, हूबहू एक समान ध्वनि जैसे शब्द को पहले सीखते हैं, तो ये सतही संरचना के अंतर्गत आपका आता है। दूसरा दोस्तों, इसी में देखिए आपका गहरी संरचना क्या है। तो इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है, है ना। इसमें शब्दों के अर्थ, अर्थात वो शब्द क्या अर्थ निकाल रहा है या निकल रहा है, उसका ज्ञान होता है। थोड़ा बड़ा होता जाता है बच्चा तब, जैसे बेटा, जैसे एक माँ ने कहा कि बेटा पानी लाओ, है ना। ये पूरा एक वाक्य की तरह है, इसको बच्चा समझ जाता है तो पानी लेकर आता है, है ना। ये चीज़ें होता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों, इसमें चौथा सिद्धांत देखते हैं। देखिए आपका चौथा सिद्धांत क्या है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी का शैक्षणिक उद्देश्य, है ना। ब्लूम के सिद्धांत के अंतर्गत हम ब्लूम के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस जो वीडियो में ब्लूम का भी हम पढ़ रहे हैं, ये चौथा है। तो क्या है देखिए, बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण किया है, बेंजामिन ब्लूम है जो अमेरिका के निवासी हैं। अब इन्होंने दो पक्ष बताया, ज्ञानात्मक, तीन पक्ष बताया। देखिए दोस्तों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। तो इसके पहला पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, है ना। उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए इन्होंने 6 दृष्टिकोण बनाया है, अर्थात 6 भागों में बांटा है ज्ञानात्मक पक्ष को, है ना, ब्लूम ने। तो क्या क्या बताया है देखिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ब्लूम के जो 6 बिंदु है या 6 भाग हैं, इनको आप याद रखें। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, 1 नंबर यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। भावनात्मक पक्ष पर हम विचार करें तो देखिए, भावनात्मक पक्ष इनमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, घृणा, प्रेम, ये सब चीज़ें भावनात्मक रूप से जुड़े हुए चीज़ें हैं, है ना। थर्ड है इसमें क्रियात्मक पक्ष, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आते हैं। मोटर स्किल अर्थात जो कौशल है, क्रियात्मक कौशल है, ये चीज़ें आती हैं, क्लियर है। ये चीज़ें हैं ब्लूम के अंतर्गत। तो ये 4 अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें हमने देखा एरिक्सन का सिद्धांत, है ना, एरिक्सन के बारे में इस वीडियो में जाना। दूसरा हमने क्या जाना दोस्तों इस वीडियो में, तो अभी पढ़ा हमने ब्लूम, ठीक है, एरिक्सन के बारे में जाना, ब्लूम के बारे में जाना इसी वीडियो में हमने, वायगोत्सुकी के बारे में जाना, वायगोत्सुकी के बारे में जाना, और ये 3 चीज़ें हो गया दोस्तों, और आपका नोम चौमस्की के बारे में जाना। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से, इस टॉपिक से, जो इस वीडियो से, टॉपिक नहीं बोलूँगा दोस्तों, इस वीडियो में आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही, कन्फर्म है। आप देख सकते हैं जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो 2 से 3 प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 4 सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आया ही रहता है, तो इनमें से कन्फर्म प्रश्न आएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।